राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कबहु तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी। एक तुलसी नाम की कन्या के साथ में शंखचूर्ण का विवाह हुआ, पर तुलसी भी सात्विकवान थी, धर्मात्मा थी, पुण्यवान थी। इसका नियम था भगवान नारायण के चरणों में प्रतिदिन हल्दी और कुंकू चढ़ाती थी। भगवान नारायण के सीधे चरण में हल्दी और उल्टे चरण में कुंकू चढ़ाती, कुंकू मतलब रोली। आज भी नियम है नौमी तिथि के दिन अगर भगवान नारायण के चरणों में हल्दी और कुंकू दोनों चीजें चढ़ाई जाए तो नारी कभी विधवा होकर नहीं मरती। आज भी लिखा है अखंडता को पाने के लिए भगवान नारायण के सीधे चरण में हल्दी और उल्टे चरण में रोली चढ़ाई जाती है। शरीर में बहुत कष्ट हो, टेबलेट खा खा कर जिंदगी निकल रही हो, बीमारी डॉक्टर का पीछा ही नहीं छूट रहा हो, तो शिव महापुराण, विष्णु पुराण और स्कंद पुराण में जो पुरुषोत्तम कथाओं का वर्णन किया गया है, एक आटे का दिया, उसमें चार बत्ती, आटे के दिए में चार बत्ती रखें, तिल्ली का तेल डाल लें, थोड़ा सा उसमें सरसों का तेल डाल लें, मार घर के बाहर अर्थात घर के अंदर के बाहर जो चौखट होती, चौखट से थोड़ा सा बाहर, बिल्कुल चौखट से नहीं बैठना, थोड़ा सा बाहर। नौमी तिथि के दिन शाम के 6 से 6:30 के बीच में 21 बार जो व्यक्ति बीमार रहता है उसके सिर से नीचे की ओर श्री नरसिंह भगवान का स्मरण कर जो व्यक्ति का उतार कर रहे उसका नाम और गोत्र लेकर 21 बार जो उतार कर उस दिए को घर के ही चौखट पर रख देता है, उस व्यक्ति की बीमारी छूट जाती है महाराज, वो रोगीला नहीं रहता, रोग से ग्रस्त नहीं रहता। तुम जिस दिए में भगवान की आरती उतारते हो, जिस दिए से तुम भगवान की पूजन करते हो, उस दिए की बत्ती को नीचे डाल दीजिए और उस दिए को पानी की बाल्टी में धो दीजिए। कौन सी बाल्टी में? जिस बाल्टी के पानी से आप बच्चे को स्नान करा सकते हो। केवल भगवान पर से ले जाकर, पास में से ले जाकर उस बाल्टी में थोड़ी देर डाल दो और उस बाल्टी के पानी से उस बच्चे को स्नान करा दीजिए। 15 से 20 मिनट, आधा घंटा लगेगा, बच्चे का बुखार पूरा उतर जाएगा। इतना विधान है दीप का। दिए भी अलग अलग होते हैं। पहला दिया होता है पणती दिया। ये पणती दिया मट्टी का दीप, जिस दीप के अग्रभाग को थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाता है उसको पणती दिया कहते हैं। ये पणती दिया जब भी भगवान के सामने लगाया जाता है तो इस दिए को सम्मुख में जब रखा जाता है तो दिए का जो लोकी मुख होता है वो अपनी ओर होना चाहिए। पणती दिए की जो लो है, बाती है, उसका मुख अपनी ओर होना चाहिए। विष्णु पुराण कहती है अगर इस दिए की बाती भगवान की ओर रहती है तो हमें तपन की अनुभूति होती है, पर इस दिए की बाती जब हमारी ओर होती है तो हमारे शरीर में कोई बड़ी बीमारी आने वाली होती है तो वो कट जाती है। विष्णु पुराण में दूसरा दीप कहा गया है निरांजन दीप। विष्णु पुराण में दूसरा दीप का वर्णन निरंजन है। जिस निरंजन दीप में महाराज आपने देखा होगा डमरू जैसी आकृति होती है निरंजन, इस निरंजन दीप में डमरू की आकृति होती है, रखने का भाग और ऊपर का भाग इस तरह से, और ऊपर उसमें दिए लगाने के लिए बाती का स्थान रहता है। किसी किसी में 5 अंगूरे होते हैं, किसी किसी में 6 अंगूरे होते हैं, इसको निरंजन दीप कहते हैं। महाराज विष्णु पुराण के 5वें अंश में लिखा गया निरंजन दीप भगवान के सम्मुख में राइट भाग में लगाया जाता है। भगवान का जो स्थान होता है, भगवान का जो मंदिर होता है, तो भगवान का राइट, आपका होगा लेफ्ट। ठीक है, आप भगवान के सामने बैठोगे तो भगवान का राइट, आपका लेफ्ट, तो आप जब लगाएंगे तो आप लेफ्ट में लगाएंगे, आपका लेफ्ट होगा और भगवान का वो भाग राइट कहलाएगा, तो भगवान के सीधे हाथ की ओर लगता है। माना निरंजन, निरंजन दीप कभी भी तेल का नहीं लगता। माना निरंजन दीप कभी भी तेल का नहीं लगेगा। हाँ, यह हो सकता है कि बट्टी निरंजन जो दीप होता है उसमें तेल डाल सकता है। बट्टी निरंजन दीप जो होता है उसमें कंगूरे नहीं होते। बट्टी निरंजन दीप केवल गोल होगा, ऊपर से डमरू जैसी आकृति होगी, डमरू जैसा होगा ऊपर से, उसमें कहीं कंगूरे नहीं होते। महाराज बट्टी निरंजन जो दीप होता है वो केवल डमरू की आकृति में होता है, उसमें कोई कंगूरे नहीं होते, पर निरंजन जो दीप होता है उसमें कंगूरे होते। तो जो निरंजन दीप होता है उसमें कभी तेल नहीं डाला जाता, निरंजन दीप को हमेशा घृत से ही लगाया जाता है, पर बट्टी निरंजन जो दीप होता है उसमें आप तेल डाल सकते, बट्टी निरंजन दीप जो लगाएंगे वो तेल का लगा सकते, पर निरंजन में कभी तेल नहीं डाला जाता।
क्यों नहीं डालते? विष्णु पुराण कहती है निरंजन दीप के अंदर अगर तेल की बाती लगाकर लगाया जाता है तो एक रुपया कमाते हैं सवा रुपए खर्च होगा, घर में 10 लोग भी कमा कर लाएंगे तो पैसा नहीं दिखेगा, घर में रुपया टिकता नहीं है। अर्थात निरंजन दीप में आप तेल की बाती लगा रहे हो, ये सिद्ध हो चुका। अब अगर आप यही बात किसी जगह पर पूछोगे, किसी आचार्य से पूछोगे, हमारे यहाँ ऐसा हो रहा है, वो कहेगा हमारी गृहदशा खराब हो रही है, तो उसने अंगूठी पहना दी, अंगूठी पहनाने के बाद भी घाटा खा गए, फिर पूछोगे महाराज हमने तो अंगूठी पहनी, नीलम पहना, पुगराज पहना, ये पहना, वो पहना, आराम नहीं लगा, तो कहा तुम्हारे यहाँ वास्तु का दोष है, वास्तु भी सही करवा दिया उसके बाद भी सुख नहीं मिल रहा। अर्थात आपके दिए में जो आप बाती लगा रहे हो उसमें कुछ कमी है, उसको पहचानो। चतुर जो डॉक्टर होता है वो जरा सी देर में पकड़ लेता है कि इसको प्रॉब्लम हो क्या है, और नहीं तो कहेंगे जांच कराओ, ये जांच वो जांच, उनमें पड़े कुछ निकलेंगे, फिर भी शरीर में कष्ट, कष्ट का कारण क्या, वो पकड़ा जाए। मतलब आप एक रुपया कमा रहे हो, सवा रुपया अगर खर्च हो रहा है तो निरंजन जो दीप है उसमें तेल की बाती लग रही है, ये पक्का है, ये पक्का है। मतलब घर में पैसा टिक नहीं है, पैसा आ तो बहुत रहा है, बहू भी कमा रही, बेटा भी कमा रहा, दुकान से भी आ रहा है, किराए से मकान भी चल रहा है, वहां से भी बहुत कुछ आ रहा है, पर आखिर पैसा दिखता क्यों नहीं है? आया लाख रुपए रात को आए, दो तीन दिन में चले गए, बची नहीं कुछ भी, पत्नी के पास बेचारी बहुत माई के सल्लाह के जोड़ को तो बताती नहीं, अच्छा थोड़ो सवाल पर कमाई का धन नहीं दिख रहा। मतलब निरंजन जो दीप है, निरंजन दीप जिसमें ऊपर कंगूरे बने रहे, 5-6-7 डमरू की आकृति का रहता, पर उसमें कंगूरे बने रहते निरंजन, उसमें जरूर आप तेल डालकर जला रहे हो, इसलिए धन दिख नहीं रहा, संपदा दिख नहीं रही, वैभव दिख, उसमें केवल घी की ही बाकी है। और महाराज बटी निरंजन जो दीप होता है उसके अंदर आप तेल डालकर जला सकते हो। बटी निरंजन जो दीप होता है या किसी भी स्थान पर लगाओगे, सबसे पहले पितृ इससे भाग ग्रहण करते हैं, देवता को देते हैं, देवता उससे भाग ग्रहण कर कुबेर को प्रदान करते हैं, कुबेर उससे भाग लेकर शिव को प्रदान करता है, भगवान शंकर बटु भैरव को कहकर घर का उद्धार करते हैं, इसलिए इसको कहते बटी निरंजन, इसमें कंगूरे नहीं होते। एक कुबेर निरंजन भी होता है, दिए में स्टैंड होता है, पकड़ने की जगह होती है, आगे उसमें चोंच लगी रहती है, उसको कुबेर निरंजन दीप कहते हैं। कुबेर निरंजन दीप महाराज जब भी जलाया जाता है, इस तरह का दिया अगर किसी के घर में हो, कुबेर निरंजन जिसमें स्टैंड होता है, ऊपर होता है, थोड़ा लंबा होता है, तो कुबेर निरंजन जो दीप होता है उसमें आगे भाग लंबा रहता है और पकड़ने का स्थान होता है। तो कुबेर निरंजन दीप घी का लगाओ चाहे तेल का लगाओ, उसमें लौंग या काली मिर्च, काली तिल या चावल, पूजन वाली जगह में जो चावल रखे उसका दो दाना चावल का या फूल की पत्ती, कुछ भी उस कुबेर निरंजन दीप में डालना जरूरी होता है, जिससे हमारे घर में भंडार सदा भरा रहे। अगर कुबेर निरंजन दीप खाली जलता है, आपने कई जगह मंदिरों में देखा होगा कुबेर निरंजन दीप डालते तो उसमें थोड़ा दो दाने चावल के डाल देते, कुछ नहीं डालता तो एक सिक्का पटक देते, एक